हमेशा से ही पुलिस अधिकारियों की शिकायत करने के लिए सुर्खियों में रहने वाली पूर्व जनपद अध्यक्ष सुलोचना पारधी इस बार भी सुर्खियों में है। इस बार मामला किसी पुलिसकर्मी की शिकायत को लेकर नहीं बल्कि सुलोचना पारधी एवं उसके पति मन्ना पारधी और बच्चों के द्वारा एक महिला पारधी की पिटाई कर देने को लेकर है। दीपा पारधी के अनुसार सुलोचना और उसका पति काफी समय से दीपा के ऊपर दबाव बना रहे कि वो उसके पास जो 20 बीघा जमीन है जिसकी कीमत लाखों में है उसमें से आधी जमीन सुलोचना पारधी के नाम कर दे। वहीं दीपा ने यह भी आरोप लगाया कि सुलोचना ने दीपा को उसके बच्चों को उठाने तक की धमकी दे डाली है। दीपा का कहना है कि उसने सलाद पारधी को 9 लाख रुपए इस जमीन के एवज में दिए थे जो कि देवास का रहने वाला है। वहीं सुलोचना की नियत इस जमीन पर काफी पहले से ही लगी हुई है। आज दीपा को अकेला पाकर सुलोचना ने अपने पति एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर दीपा की पिटाई करवा दी जिसके बाद सुलोचना सिटी कोतवाली पहुंची और उल्टा दीपा के ऊपर मारपीट के आरोप लगाना शुरू कर दिए जिसके चलते सुलोचना अपना मेडिकल टेस्ट कराने भी जिला चिकित्सालय पहुंची लेकिन गंभीर मारपीट के बाद दीपा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुलोचना पारधी के बारे में कहा जाता है कि उसे पुलिस विभाग का एक तबका केवल पुलिस प्रशासन की शिकायत करने के लिए उपयोग में लेता है। वहीं सुलोचना पहले जनपद अध्यक्ष भी रह चुकी है। सुलोचना का नाम पुलिस विभाग में शिकायत करने वाली महिलाओं के रूप में हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है और वह झूठी या सच्ची कैसे भी शिकायत करने में कभी भी पीछे नहीं हटती। ऐसे जा रही थी, टीवी फोड़ गए थे साहब मेरी, तो मैं सुधराने कुंडाल के हम जा रही थी, कहाँ पे जगह दर्शन के सामने पे होते तो मेरे को वहाँ आके मारी। वो बैंक है स्टेट बैंक, उसके सामने मेरे को मारी। मन्ना ने मेरे हाथ पकड़ लिए, सिलोत ने मेरे को मारी सर। और मेरा एक ही लड़का है, कहती है कि तेरे एक ही लड़के को उठवा के ले जाऊंगी। मेरी चार लड़की है, एक ही लड़का है। किस बात को लेकर मारपीट करी? मेरे को वो कहती है कि खेत मेरे को आधा दे दे। किसको दे दे? वो सिलोत को। अच्छा, हाँ सिलोत कह रहे मेरे को आधा खेत दे दे तेरा मन्ना, और सिलोत बोल रहे आधा खेत में हमको दे दे। कितने बीघा है वो खेत? 20 बीघा है साहब। अच्छा, इसको लेकर लड़ाई हो रही है ये? वो खेत मेरा, मतलब मेरा कर्जा आ रहा था उनपे, उनने मेरे को लिख के दे गया। वो देवास रहता है। कितना कर्जा था? मेरा था 9 लाख, तो उसमें वो खेत मेरे को दे गए। वो बोल रहे मेरे को आधा दे दे, मैं फ्री में कैसे आधा दे दूँ साहब, आप ही बता दो और निर्णय कर दो मेरा, नहीं तो मेरा एक ही बच्चा है। मेरे बच्चे को कहती है उठवा के ले जाऊंगी, मरवा डालूंगी।